हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द दोशोलॉजी लेक्चर सीरीज़ फॉर यूपीएससी ऑप्शनल इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे नेक्स्ट थिंकर जो है वो है हिमाल दुर्खाइम सो हिमायल दुर्खाइम so, का सोशल फैक्ट्स वाला जो कंसेप्ट है वो हम इस लेक्चर में करेंगे बिफोर दैट उसके उनके बारे में जान लेते हैं तो हिमायल दुर्खाइम का पीरियड था एटीन से नाइनटीन एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पायनियर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी यानी कि सब्जेक्ट को इस्टैब्लिश करने में दुर्खाइम का बहुत बड़ा योगदान था ही कंसिडर्ड माइक्रोव्यू ऑफ सोसाइटी यानी कि वो लार्जर पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को देखते थे एंड अकॉर्डिंग टू हि इंडिविजुअली सब आर्डिनेट टू सोसाइटी यानी कि सोसाइटी जो है उसका जो असर है वो इंडिविजुअल पे होता है ना कि इंडिविजुअल का खुद का परसेप्शन स्टडी नहीं करना चाहिए हमें सोसाइटी को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए सो सोसाइटी इज अ रियलिटी ऑफ इट्स ओन अब ओवर एंड अबव द इंडिविजुअल हु कॉम्प्रोमाइज देन नेक्स्ट इज़ सो उनको फादर ऑफ सोशोलॉजी कहते थे ही ट्राइट टू डिफाइन सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी एंड डेवलप साइंस ऑफ सोसाइटी साइंस जैसे उनको लगता है कि जैसे हम नेचुरल साइंस को स्टडी करते हैं वैसे ही हमें सोसाइटी को स्टडी करना चाहिए और जैसे हम नेचुरल साइंस में नेचुरल फैक्ट्स को पढ़ते हैं स्काई रेनफो मानसून जो भी है तो सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या होगा यहाँ पे हम सोशल फैक्ट्स को पढ़ेंगे तो सोशल फैक्ट्स को हम साइंटिफिक स्टडी से स्टडी करेंगे सोशोलॉजी में ही गेव डिस्टिंगटिवली सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज इन कॉज ऑन फंक्शनल थियरी तो उन्होंने एक सुसाइड की थ्योरी दी जो हम आगे भी कंसेप्ट है इस पर हम पढ़ेंगे डिटेल में सो so, वो हर एक कोई भी सोशल फैक्ट का कॉज और फंक्शन क्या है वो एक्सप्लेन करते थे ही डेवलप मेथड्स स्पेसिफिक टू सोशोलॉजी ही एस्टेबलिश फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशोलॉजी इन यूरोप देन अब हम शुरू करते हैं सोशल फैक्ट्स क्या है ठीक है तो उनकी जो बुक थी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ना एटीन नाइन्टी फाइव इसमें उन्होंने सोशल फैक्ट्स के बारे में बताया है सोशल फैक्ट्स आर वेज ऑफ एक्टिंग थिंकिंग एंड फीलिंग विच आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल एंड आर एंडोड विद द पावर ऑफ कोवर्जन द रीजन फॉर विच दे कंट्रोल ऑफ हिम तो सिंपल लैंग्वेज में सोशल फैक्ट्स यानी कि आपके आसपास जो घटना हो रही है या फिर जो जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसका आप पर कुछ दबाव पड़ रहा है फॉर एग्जांपल कि अभी बहुत सारा लाइक यू कैन सी कि अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ गई है राइट right? मतलब आप देखते हो कि बाहर टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के प्रेशर में आके ना यू आल्सो वॉन्ट टू हैव अ स्मार्टफोन यानी कि कुछ चीज़ें जो आपके एक्सटर्नली हो रही है उसके वजह से आप अपना बिहेवियर आप एक्ट और थिंक और फील करते हो तो जो घटना आपके बाहर एग्जिस्ट कर रही है और जो आपके सोचने पर इंडिविजुअल की थिंकिंग पर असर डाल रही है ऐसी तो घटनाओं को हम सोशल फैक्ट्स कहेंगे ठीक है सोशल फैक्ट्स ऑफ फिनोमिना यानी कि घटना विच एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल जो आपके बाहर एग्जिस्ट करती है और आप पे फोर्स और कोअर्स यानी कि इंडिविजुअल पे दबाव डालती है टू थिंक एक्ट एंड फील इन अ पर्टिकुलर मैनर ठीक है तो अगर तो एग्ज़ाम का काफ़ी कंपटीशन है यानी सोसाइटी में आजकल हर कोई बहुत पढ़ना चाहता है और बहुत कॉम्पिटिशन है अलग अलग एग्जामिनेशन में तो आप डिप्रेशन में आप डिप्रेस फील करते हो स्ट्रेस में जाते हो तो ये क्या है तो ये बाहर का जो फैक्चुअल है जो ये सोशल फैक्ट है कि बाहर जो कॉम्पिटिशन है वो आप पे क्या कर रहा है एक दबाव क्रिएट कर रहा है और इसकी वजह से आप कैसे फील कर रहे हो आप स्ट्रेस फील कर रहे हो तो सोशल फैक्ट्स क्या है जो भी घटना है हमारे सोसाइटी में घटती है जो इंडिविजुअल पे दबाव डालती है दैट इज़ सोशल फैक्ट्स टास्क ऑफ़ सोशोलॉजी इज़ टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी सच सोशल फैक्ट्स तो दुर्क एम कहते हैं कि सिंपली सोसाइटी में हमें सोशोलॉजी में हमें क्या करना है हमें ऐसे सोशल फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनकी स्टडी करनी है तो सोशल फैक्ट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि एक्सटर्नल तो मैंने कहा कि वो आपके बाहर एग्जिस्ट करते हैं ठीक है दे एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस ऑनदर ओन यानी इनको किसने बनाया नहीं है बट ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है फॉर एग्जाम्पल रिलीजन है या आपको भी आ, किसी को पता ही नहीं कहाँ से है बट है रिलीजन एग्जिस्ट करता है राइट देन कंस्ट्रेनिंग तो यानी कि आपको इन्फ्लुएंस करते हैं राइट right? जैसे अभी आई बनना है तो कहीं ना कहीं सोशल आ, का इन्फ्लुएंस है आप पर राइट right? सोसाइटी से देख के ही आप इन्फ्लुएंस हुए हो कैड वॉन्ट टू बिकम एन आई ऑफिसर देन जनरलिटी और ये जनरल है यानी कि हर जगह होता है फॉर एग्जांपल रिलीजन है अब भले रिलीजन अलग अलग हो सकता है बट रिलीजन का मीनिंग क्या होता है कि भगवान को मानना कुछ भगवान से श्रद्धा होना दैट इज़ रिलीजन तो हर कहीं वो एग्जिस्ट कर रहा है रिलीजन भले यूरोप ले लो कोई भी देश ले, ले लो रिलीजन तो हर जगह है भले रिलीजन डिफरेंट हो सकता है बट रिलीजन तो है राइट सो सोशल फैक्ट्स क्या है वो जनरल होते हैं आपको जनरलाइज फॉर्म देखना है कि वो हर कहीं एग्जिस्ट करते हैं देन इंडिपेंडेंस ये इंडिपेंडेंट होता है यानी कि आपकी विल ये इंडिविजुअल के विल पे नहीं डिपेंड करेंगे फॉर एग्जांपल अगर रिलीजन अब है और रिलीजन में है कि भगवान को मानना यानी कि रिलीजन का मीनिंग ही वही होता है कि कुछ समथिंग रिलेटेड टू गॉड तो ये आप मानो नहीं मानो तो भी ये रिलीजन तो एग्जिस्ट करेगा ही राइट फैमिली है तो भले आपकी फैमिली होना हो बट दुनिया में तो फैमिली एग्जिस्ट कर ही रही है हर किसी की फैमिली है ठीक है तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं देन ही सेज उन्होंने दो ब्रॉड टाइप में सोशल फैक्ट्स को डिस्टिंगश किया है इनके ये बुक में मटेरियल सोशल फैक्ट्स होते हैं और होते हैं नॉन मटेरियल मटेरियल यानी कि जो आपको दिख सकता है जैसे टेक्नोलॉजी है मैंने अभी आपको एक्जाम्पल दिया था डिवीजन ऑफ लेबर है आप आर्किटेक्चर देखते हो अलग अलग ठीक है जो आप इजीली देखकर स्टडी कर सकते हो पर कुछ नॉन मटेरियल फैक्ट्स होते हैं लाइक कल्चर है इंस्टीट्यूशन यानी कि फैमिली एजुकेशन मोरालिटी तो ये सब डिफ़िकल्ट होता है इनके आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है तो सोसाइटी जो पहले की सोसाइटी वो नॉन मटेरियल फैक्ट्स से क्या होती थी साथ में रहती थी फॉर एग्जांपल लोगों का कल्चर था कि हमें जॉइंट फैमिली में रहना है कुछ सिद्धांत होते थे जो सोसाइटी को एकजुट बांध कर रखते थे बट आज के का इन प्रेजेंट टाइम यू कैन सी कि टेक्नोलॉजी यानी कि मटेरियल फैक्ट्स की वजह से हम सब साथ में हैं राइट right? जैसे अभी टेक्नोलॉजी आ गई है तो वीडियो कॉलिंग है ना और बहुत ईजी हो गया है so, सो आज के दौर में मटेरियल फैक्ट्स जो है वो सोसाइटी को बांध के रखता है बट पहले के सोसाइटीज़ uh, में नॉन मटेरियल फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट देन स्टडी कैसे करेंगे हम सोशल फैक्ट्स की तो दो चीज़ है पहले हमें कॉज देखना कि कोई भी सोशल फैक्ट है तो वो क्यों एग्जिस्ट है कि पावर्टी है तो उसके पीछे का कॉज क्या है ठीक है जैसे कि इंसान के पास रिसोर्सेज नहीं है या उसके पास काम नहीं है जॉब नहीं है दैट्स वाई ही इज़ पोअर और दूसरा होता है कि आपको फंक्शन देखना है कि अभी सपोज एक रिलीजन सोशल फैक्टर है तो उसका फंक्शन क्या है तो समाज को एकजुट होकर रखता है ठीक है तो ये ये चीज़ें आपको स्टडी करनी है सोशल फैक्ट्स अब रूल्स क्या है तो अभी आप जब फैक्ट्स पढ़ने जाओगे तो कुछ रूल्स को आपको ध्यान में रखना है ऐसा दूर कहते हैं तो फर्स्ट इज रूल ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि आपको ऑब्जर्व करना है बस पहले आपको अच्छे से क्या करना है जैसे आप थिंग्स को ऑब्जर्व करते हो वैसे आपको सोशल फैक्ट्स को क्या करना है ऑब्जर्व करना है सेकेंड आप उनको क्लासीफाई करोगे ठीक है कि अभी सपोज आप किसी ड्रेस कोड वगैरह सारी चीज़ें क्या है अभी आप किसी ड्रेस कोड भी आपका कैसे इन्फ्लुएंस होता है बिकॉज ऑफ रिलीजन तो ये सारा क्या है स्ट्रक्चरल यानी मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो आप फिजिकल एट्रीब्यूट के रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं उनको हम स्ट्रक्चरल फैक्ट्स कहेंगे इंस्टीट्यूशनल फैक्ट्स यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं समाज में फॉर एग्जांपल रिलीजन फैमिली जो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है ऑलरेडी मैरिज तो इन सबको हम इंस्टीट्यूशनल फैक्ट्स कहेंगे नॉन इंस्टीट्यूशन यानी कि जो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है तो कुछ फैक्ट्स होते हैं ना जो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए फॉर एग्जाम्पल लिविंग इन रिलेशनशिप दैन मैरिज गे मैरिज वाला जो कंसेप्ट है तो ये सारी चीज़ें कहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट्स हैं है। और कुछ पैथोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं यानी कि जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते जैसे क्राइम्स होता है सुसाइड होती है तो आपको कौन सी फैक्ट की आप स्टडी कर रहे हो आपको अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप पावर्टी की स्टडी कर रहे हो तो आपको ये डिसाइड करना है आपको क्लासीफाई करना है कि वो किस में आएगा ठीक है तो ये नॉट ग्रुप फॉर सोसाइटी तो पैथोलॉजिकल आ सकता है राइट देन थर्ड इज रूल्स ऑफ डिस्टिंगशन अभी आपने पर्टिकुलर सोशल फैक्ट्स ले लिया है कि आप रिलीजन की स्टडी करने वाले हो ये इंस्टीट्यूशन की स्टडी करोगे देन यू हैव टू चेक कि ये नॉर्मल स्टेट में है कि पैथोलॉजिकल स्टेट में है नॉर्मल स्टेट में है मतलब नॉर्मली रिलीजन का फंक्शन क्या होता है कि यूनिटी मेंटेन करना समाज में राइट right? तो फिर वो ये काम कर रहा है दैट मीन्स कि वो नॉर्मल स्टेट में है बट बहुत बार रिलीजन एक्सट्रीमिज़म जब हो जाता है तब राइट्स वगैरह भी होते हैं इसका मतलब क्या है कि वो जो रिलीजन है वो पैथोलॉजिकल स्टेट में यानी कि वो आपका जो सोशल फैक्ट है वो पैथोलॉजिकल स्टेट में आ गया यानी कि बुरे सिचुएशन में आ गया तो आपको ये डिस्टिंग भी करना है वन यू स्टडी अबाउट द सोशल फैक्ट देन रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन देन आपको एक्सप्लेन करना है आप कैसे एक्सप्लेन करोगे तो यू हैव टू मेंटेन कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी यानी कि आपको इम्पार्शल तरीके से उनको स्टडी करना है देन यू हैव टू यूज़ द मेथड ऑफ नेचुरल साइंसेज राइट आप इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करो स्टैटिस्टिक्स लो रिसर्च करो एंड देन यू कम टू अ जनरल थियरी तो सुसाइड में उन्होंने ऐसे ही किया है उन्होंने डेटा उठाया है एंड देन स्टडी करके बताया है कि कैसे सोसाइटी में सोशल सुसाइड एक सोशल फैक्टर यानी कि सोसाइटी के वजह से हो रहा है नॉट ऑफ इंडिविजुअल के वजह से नहीं हो रहा है तो ये हम स्टडी करेंगे सुसाइड थे में तो दिस इज दिस वॉज ऑल अबाउट सोशल फैक्ट्स और अभी क्रिटिसिजम्स देख लेते हैं तो हडल मैन ने कहा है कि दुर्खाम इज़ मोर कंसर्न अबाउट मेकिंग सोसाइटी देन डिस्क्राइबिंग यानी कि सोसाइटी को बस समझा रहे हैं कि क्यों है क्यों है क्यों है मैथोडोलॉजी तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं देन मर्टन से इसके जनरल थियरीज तो कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है आप कहते हो रिलीजन जनरली सब जगह है पर उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंट कुछ है नहीं ना आपको मिडल रेंज थेरी बनानी पड़ेगी वो रिक्वायर्ड है आपको छोटी स्मॉल स्केल पे थेरीज बनानी होगी स्टेफिन लुक्स कहते हैं कि दुर्खाइम ने क्या किया है निगलेक्ट कर दिया इंडिविजुअल इमोशंस को राइट right? आप कहते हो कि सुसाइड जो है वो सोशल फैक्ट है बट इंडिविजुअल के खुद का भी तो स्ट्रेस और इमोशंस मैटर करते हैं राइट देन पीटर बगर भी कहते हैं कि इनजस्टिस किया है इन्होंने ये सोशोलॉजी के साथ क्योंकि इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर कर दिया है द वेबर्सेज़ की सोशल फैक्ट जो है वो इनसाइड व्लाय करता है इनसाइड एंड इंडिविजुअल यानी कि सोशल फैक्ट आपके अंदर ही है अगर कोई पावर्टी एग्जिस्ट कर रही हो तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की मर्जी होगी ना उसको नहीं काम करना होगा इसलिए शायद वो पुअर है तो इंडिविजुअल का भी खुद का इंटरप्रिटेशन है जो दुरखा हमने इग्नोर कर दिया है सो आई होप आपको सोशल फैक्ट्स का थियरी आ, समझ आ गया है इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो थैंक यू फॉर वॉचिंग